हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग है, आज के वीडियो है बिल्कुल सबसे हट के। इस वीडियो में मैं लाई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जिन्हें अपना के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। जिंदगी का एक नया साल शुरू हो चुका है और हमें भी कुछ गुड हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ बहुत एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ हो सकती है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। So here are some tips in which the number one is getting up early and sleeping early at night. दोस्तों ये वाला व्लॉग फुली मोटिवेटेड जाने वाला है। सो बेसिकली कमिंग टू द पॉइंट, मैंने अपनी अम्मी से बचपन से ये सुना है कि इंसान को उगता हुआ सूरज जरूर देखना चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी उठें और नेचर का थोड़ा व्यू लें तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और माइंड फ्रेश होने से ही आपका पूरा डे बहुत अच्छा जाता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। गाइस टिप नंबर टू इज मेकिंग योर बेड। हमारे दीन में ही यही चीज़ है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया था कि जब सुबह उठो तो पहले अपना बिस्तर तय करो, और ये चीज़ सच में बहुत अच्छी है। लिटिल थिंग्स इन लाइफ मैटर्स अ लॉट। अगर हम सुबह जल्दी उठकर अपना बिस्तर तय करेंगे, अपना बेड सारा ठीक कर लेंगे, मोटिवेशन मिलेगी कि हम लोगों ने पहला काम सही कर लिया, बाकी काम भी दिन के सारे फिर इसी तरह से होते जाएंगे। इफ़ यू विल डू दिस थिंग यू विल डेफिनेटली नोटिस द पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। टिप नंबर थ्री इज ऑफरिंग नमाज। गाइस नमाज में कोताही बिल्कुल नहीं करनी। इवन समटाइम्स मुझसे भी नमाज छूट जाती है, लेकिन अब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज बिल्कुल ना छोड़ूँ। लाइफ में जो गलत हो गया, जो जितनी गलतियाँ जो काम हो गए वो पिछले साल में हम छोड़ा है, बस अब वो नहीं होने देने, अब लाइफ को अच्छा करना है। तो 5 टाइम की नमाज ज़रूर अदा करनी है क्योंकि जवानी की इबादत का अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सवाब देते हैं। नंबर फोर इज़ डेली एक हैबिट बनाएं कि थोड़ा थोड़ा कुरान पाक पढ़ें। इवन ये जो साल शुरू हुआ है तो मैंने भी एक हैबिट बना ली है, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ बिमा तर्जुमा, और माशाल्लाह से मैं 3-4 सुपारे भी पढ़ चुकी हूँ। मैंने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, तो इससे आपको भी समझ आएगा कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या मैसेज छोड़ा है कुरान में, और हमारे दिल को भी सुकून मिलेगा। टिप नंबर फाइव इज़ मेक अ डेली हैबिट ऑफ ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स। अगर आप डेली फ्रूट्स खाएंगे, कोई भी फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, तो इससे आपका इंटरनल गट भी क्लियर होगा, स्किन अच्छी होगी, डाइजेशन प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब हट जाएंगे। तो दिन में ब्रेकफास्ट में या नाइट में अगर आप खाना स्किप कर दें तो उसके बजाय आप फ्रूट्स खा लें तो यू विल डेफिनेटली सी द चेंजेस। टिप नंबर सिक्स इज़ यू मस्ट ईट अ पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स। अपनी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड कीजिए। ज़्यादा पानी तो पी नहीं सकते, सर्दियाँ हैं अब कोर्स, तो यू मस्ट ट्राई कि आप 5 से 6 ग्लास ज़रूर पानी के पिए। हैबिचुअली अगर आप हो जाएंगे इस चीज़ के तो आस्ता आस्ता 5 से 6 से 6 से 7, 7 से 8 में फिर आप शिफ्ट करते जाइएगा।
टिप नंबर 8 इज कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग एंड योर होम क्लीन. अगर आपके पास इधर उधर सारा मेस पड़ा हुआ है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है, हाउ यू विल ऑपरेट, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सुकून नहीं होगा माइंड में. मुझे तो ऐसे ही बेचैनी होती है जब मेरे आसपास चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मैं घबरा जाती हूँ, मैं तो परेशान हो जाती हूँ. अनटिल और अनलेस मैं उसको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन सफाई करके बैठ जाऊँ, तो उसके बाद फिर ही मैं इंजॉय कर सकती हूँ. So make a good habit of keeping yourself and your surrounding clean. If you will adopt this habit and you will implement in this your life, so you will must see the positive changes जो आपकी life में आते हैं. टिप नंबर 9 इज रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम गाइस. अपना मोबाइल का जो फ़ोन का यूजेज है ना, वो कम कर दें. जो नोटिफिकेशन, सबसे पहले तो यू टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशन. और ये रील्स, इंस्टाग्राम रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कितना आपका वक्त इसमें ज़ाया होता है. तो इसको अवॉइड करें, एक प्रॉपर लिमिट सा टाइम सेट कर लें ताकि इससे ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ ना करें. और सुबह उठते वक्त आपको मोबाइल को चेक करने की, नोटिफिकेशन देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. और रात को सोने में भी ना, बस इतना नहीं है कि आप जब तक नींद नहीं आ रही आप मोबाइल देखे जाए, ऐसा नहीं करना. आपको जितनी बस ज़रूरत है उतना करें और मोबाइल बंद करके चुपचाप सो जाएं. टिप नंबर 10 इज मेक आउट अ वे ऑफ योर अर्निंग. इससे अच्छा लाइफ में क्या ही होगा कि आप अपनी अर्निंग खुद करें. लाइक डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, मेक एन अर्निंग, मेक सेविंग एंड एंजॉय द लाइफ. कोई भी छोटा मोटा काम करें, फ्रीलांसिंग करें, ऑनलाइन बिजनेस करें या कोई और छोटा मोटा काम, एंजॉय द लाइफ. पैसे अपने ही होने चाहिए. वॉकिंग और जॉगिंग, वट एवर वी से, थोड़ा थोड़ा लाइफ में डेली चलना ज़रूरी है. बिकॉज इट इम्प्रूव्स अवर ब्लड सर्कुलेशन. बैठे बैठे इंसान में बहुत सुस्ती आ जाती है, इसलिए चलना फिरना बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए. इंसान एक्टिव रहता है. टिप नंबर 12, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू मस्ट हैव टू मेडिटेट योर सेल्फ. मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग मेडिटेशन, योगा, वॉट एवर वी से. लाइफ में ये चीज़ अपना डेली रूटीन में थोड़ा सा 15-20 मिनट्स के लिए ये ज़रूर करें, बिकॉज इससे आपका माइंड बहुत पीसफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हर काम को करने के लिए एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी रहेगी. तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर करके बताइएगा. अगर इन 12 टिप्स में से आपने 5-6 भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर ली, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे वे में चेंज हो सकती है. मस्ट गिव मी योर फीडबैक इन योर कमेंट्स एंड डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियो. सो गुड बाय अंटिल द नेक्स्ट वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल.